पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी रामपुर विधानसभा सीट के इस मिथक को जरूर तोड़ेगी कि यहां पर भाजपा जीत नहीं सकती है। नकवी ने कहा कि देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां आज तक भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन आज वहां हमारी सरकार है। नकवी बुधवार को शंकरपुर स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता समन्वय बनाकर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे। भाजपा पूरे देश में समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के सिद्धांत के साथ कार्य कर रही है। भाजपा ने समाज के हर तबके में विकास और विश्वास पैदा किया है। उन्होंने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है, वे मेरी पूरी मजबूती के साथ पार्टी की सफलता के लिए कार्य करेंगे। आगे आ रही वीडियो बताएगी कि किस तरह से यहां पर मुख्तार अब्बास ने जीत का ऐलान किया। क्या कहेंगे, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, मैं तो रहूंगा और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग रहेंगे उसमें। और ये उपचुनाव जो हो रहा है ये महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं आकाशी सोना साहब, और बहुत ही कम्फर्टेबल तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिलाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता और रामपुर की जनता इस बात को एहसास करती है कि आज केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी साहब की सरकार है, वो जो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण कर रही है, ये सरकार जिसने कर्फ्यू खत्म करा, क्राइम खत्म किया, करप्शन खत्म किया और कुशासन का जो बोलबाला होता था वो खत्म किया, तो आज जो है जब कर्फ्यू खत्म है, क्राइम खत्म है, कम्युनलिज्म खत्म है, करप्शन खत्म है, तो आम आदमी को इसका जो है वो एहसास भी हो रहा है और उसका लाभ भी हो रहा है। आजम खान की जो चर्चा चल रही थी वो अपने परिवार को लेकर आएंगे, किसी को उतारेंगे, लेकिन वो ये उनका अपना निर्णय है, वो जिनको भी लड़ाना चाहे वो उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन जनता का फैसला जो होगा वो महत्वपूर्ण होता है। पार्टी और परिवार का क्या फैसला है ये महत्वपूर्ण। नकवी 37 विधानसभा से कभी कमल ने बोला कि इस बार जो है क्या मानते हैं? अब ऐसा है तो कभी जो है वो बहुत सी जगहों पे कमल नहीं खिला है, लेकिन आज जो है पूरे देश में कमल खिला है, इसलिए ये जरूरी नहीं है जो आप लोग कहते हैं ना कभी नहीं खिला, जो कभी नहीं खिला तो इस बार जरूरी नहीं।